एडमिशन का ये इसी का ही अगर ले लेते हैं एडमिशन का आपका, तो आप उसकी टैक्स से रिलेटेड उसका भी लिखेंगे कोई, मतलब है कोई ब्लॉग लिखेंगे या कोई भी चीज उसका टैक्स जनरेट करेंगे। सेकंड नंबर पे इमेजेस आ जाती हैं, आप उसकी इमेज बनाएंगे, जैसे कि आपने देखे इसके अलावा आप उसकी वीडियो भी बना देंगे, वीडियो को बनाएंगे लोगों को बताएंगे कि एडमिशन ओपन हुए हैं यहाँ पर एडमिशन में। थर्ड में इंफोग्राफिक्स बना देंगे, इंफोग्राफिक्स के एडमिशन आए हैं आपका वो एक पूरी डायग्राम को बना के दिखाएंगे। अच्छा, इसके बाद पीडीएफ की फाइल जनरेट कर देंगे, इमेजेस की फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर देंगे या थोड़ी सी और जो चीजें लिख के उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर देंगे। इसके अलावा आप स्लाइड बना देंगे, पीपीटी की स्लाइड बना के स्लाइड शेयर के ऊपर रख देंगे। इसके अलावा डॉक्यूमेंट एमएस ऑफिस में लिख देंगे कि एडमिशन आए हैं और वो डॉक्यूमेंट शेयरिंग साइट्स होती है वहां पर शेयर कर देंगे। अब इसका सारा का क्या मकसद होगा, किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर या किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर आप हर फॉर्मेट में उसका कंटेंट जनरेट करेंगे, वो वीडियो फॉर्मेट में भी होगा, वो टेक्स्ट फॉर्मेट में भी होगा, वो इमेज फॉर्मेट में भी होगा और उसको हर प्लेटफॉर्म पे शेयर भी करेंगे। क्योंकि कोई बंदा अगर आपके सर्विस में आपके वो होती हैं कुछ इमेजेस तो आपके नजर आती हैं, फिर वेबसाइट्स हैं, फिर वीडियोस हैं, फिर इंफोग्राफिक्स वगैरह ये मिल के नजर आ रही होती हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ वेबसाइट ही नजर आए, आपको इमेजेस नजर ही ना आए। क्यों? गूगल ने हर एक को रैंकिंग दी हुई है और वो रैंकिंग किस तरह हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कंपिटिटर है किसी भी प्रोडक्ट के, आपने किसी की मार्केटिंग करनी है, फिर भी बाकी एरिया उसने अच्छे कवर किए हो जैसे ब्लॉग्स वगैरह है, लेकिन वो इंफोग्राफिक्स में वीक हो या वो पावर पॉइंट में वीक हो या पीडीएफ की फाइल्स ना हो, तो आप फिर इतने ज्यादा मेहनत कर लेते हैं आप गूगल में टॉप सर्च इंजन में आ सकते हैं, मतलब आप उसका वीडियो कंटेंट ज्यादा जनरेट करते हैं तो आप वीडियो पे नजर आना शुरू हो जाएंगे, आप उसकी पीडीएफ फाइल ज्यादा जनरेट करते हैं तो पीडीएफ फाइल जब होगी तो वो उस पर नजर आएंगे, या आप स्लाइड्स कर देंगे या आप डॉक्यूमेंट कर देंगे। तो ये आप पूरी प्लानिंग करेंगे कि मैंने जो कंटेंट है वो हर फॉर्मेट में जनरेट करना है और हर फॉर्मेट में जनरेट करके रेलेवेंट फोरम्स पे शेयर भी करना है, जैसे टेक्स्ट इमेजेस या सोशल मीडिया पे ज्यादातर शेयर या वेबसाइट पे वीडियो वगैरह के YouTube चैनल आप हो सकते हैं, Facebook यूज कर सकते हैं, Twitter यूज कर सकते हैं, वीडियो एक बार बना दी YouTube चैनल पे सब क्रिएट कर दिया और उसका लिंक दे दिया अपनी वेबसाइट का कि किसी ने परचेस करनी है कोई प्रोडक्ट तो हमारे इधर आके परचेस कर दे। अच्छा, फिर आपने इंफोग्राफिक बनाई, कोई इमेज पूरी बनाई और नीचे टेक्स्ट में लिख दिया कि अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो ये करें। अब इसमें जरूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट के आप डायरेक्ट के आप उसके यूज के ऊपर बना सकते हैं कि इसको यूज कैसे करना है या किसी और टॉपिक से रिलेटेड उसी प्रोडक्ट से या लेकिन उससे रिलेटेड के एक्टिंग से बचना कैसे, सनलाइट ये करना है वो करना है, वो इंफोग्राफिक से जनरेट कर देंगे। आप पीडीएफ फाइल इसी बना के शेयर कर देंगे, स्लाइड्स बना देंगे पीपीटी की जो चीजें हैं, डॉक्यूमेंट्स बना देंगे उसके और वो क्या करेंगे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे शेयर भी करेंगे। समझा? तो इसको कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग, आप कंटेंट आप उस टॉपिक के ऊपर हर फॉर्म में उसका कंटेंट जनरेट करते हैं और फिर एक प्लेटफॉर्म पे शेयर कर देते हैं। क्यों? ताकि आप सारे प्लेटफॉर्म्स को कवर कर रहे हो, गूगल रैंकिंग में सबको नंबर ही देता है, वीडियोस को भी दे रहा होता है, इमेजेस को भी दे रहा होता है और भी चीजों को दे रहा होता है। तो कंटेंट मार्केटिंग में क्या होता है, आप किसी भी सर्विस को, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक टास्क देता हूँ, मुझे आपको 5 मिनट सोच के कहिएगा, अगर डॉक्टर साहब की आपने कंटेंट मार्केटिंग करनी हो तो कैसे करेंगे आप, मतलब वीडियोस और पिक्चर्स वगैरह के लिए? आप वीडियोस में भी कौन सी वीडियोस पकड़ेंगे आप सर? फीचर्स वगैरह एक सर्विस को पकड़ेंगे? यस सर, कोई एक सर्विस पकड़ेंगे उनकी एमपी की जो लेजर ट्रीटमेंट वो कहते हैं या हेयर ट्रांसप्लांट की, तो आप क्या करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट की आप क्या करेंगे टेक्स्ट और इमेजेस आप लिखेंगे कि क्या टेक्स्ट होना चाहिए इमेजेस के अंदर और जब टाइप करेंगे और टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे फिर इमेजेस जनरेट करेंगे रेलेवेंट जो आपको चाहिए होगी, फिर आप वीडियो जनरेट कर लेंगे, फिर आप उसका इंफोग्राफिक्स बता देंगे कि आप बस ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा कितने टाइम के बाद आपके लिए क्लियर हो जाएगा सारा, पीडीएफ जनरेट कर देंगे उसी से, फिर आप स्लाइड्स भी बना देंगे जिसमें आप बताएंगे कि ये एक्टिंग क्या होती है, एक्टिंग की टाइप्स क्या होती हैं,
क्यों वो